नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर, जब भी हम लोग गोल्ड बाय करने के लिए जाते हैं तो न्यूज़पेपर में जो गोल्ड के प्राइस देखते हैं और जो ज्वेलर्स के यहाँ प्राइस होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ज्वेलर्स के प्राइस न्यूज़पेपर के प्राइस से ज्यादा होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में कोई गोल्ड का एक भाव हो ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक है नहीं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, ऑल ओवर कंट्री में एक ही गोल्ड का प्राइस होता है और उसी प्राइस पे जो है गोल्ड की ज्वेलरी जो है बिकती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई अभी तक सिस्टम नहीं है। दूसरा, कोई गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए कोई सेपरेट या इंडिविजुअल भी हमारे पास में ट्रेड सेंटर नहीं है। जैसे BSE NSE में जो है स्टॉक का एक्सचेंज होता है, वैसे कोई गोल्ड का एक्सचेंज अलग से नहीं है। अब गोल्ड जो है हमारे यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में जो है ट्रेड होता है। कमोडिटी मार्केट में जहाँ पे मतलब मेटल्स और फिर हमारी खाने पीने की चीजें जो है वहाँ पे ट्रेड होती है, वहाँ पे ही हमारा जो है गोल्ड ट्रेड होता है। तो इंडिया में दो टाइप के जो है आपको मार्केट प्राइस देखने को मिलेंगे। एक होता है वायदा बाजार भाव। वायदा बाजार भाव मतलब जो कमिट किया जाता है, जिसमें फिजिकल आपको डिलीवरी नहीं मिलती है, यानी कि उस भाव में आप जो है सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, गोल्ड आप फिजिकल नहीं ले सकते। और दूसरा होता है दोस्तों हाजिर बाजार भाव। अब हाजिर बाजार भाव क्या होता है दोस्तों, कि बहुत बड़ी बड़ी जो है गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है, जैसे MMTC है, MMTC इंडिया का एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें जो है गोल्ड के बुलियन या बार्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। अब वो बार जो है बैंकों के पास जाते हैं, फिर बैंक जो है कस्टमर्स को बेचते हैं, जो बुलियन के व्यापारी होते हैं उनको बेचते हैं, फिर वो बुलियन के व्यापारी अलग अलग छोटे छोटे ज्वेलर्स को बेचते हैं। इसलिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मतलब जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें भी गोल्ड के भाव में डिफरेंस होता है। उसका रीजन ही यही है कि जब उन लोगों को टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का बहुत सारा जो है प्रोसेस होता है, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस भी डिफर होते हैं। तो जो न्यूज़पेपर में मोस्ट ऑफ दोस्तों जो गोल्ड के भाव होते हैं वो वायदा बाजार के होते हैं, हाजिर बाजार के नहीं होते हैं। वायदा बाजार मतलब जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है वो भाव होते हैं। और जब आप किसी ज्वेलर्स के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको गोल्ड के प्राइजेस जो है हाजिर बाजार भाव पे मिलते हैं, मतलब जो मार्केट रेट है उस रेट पे मिलते हैं जिस रेट पे फिजिकल गोल्ड बिक रहा है। अब यहाँ पे भी एक चीज आप लोगों को दोस्तों नोटिस करने मिली होगी कि अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ अलग अलग गोल्ड के प्राइजेस होते हैं। तो अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ अलग अलग गोल्ड के प्राइजेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि कोई ज्वेलर्स ये करते हैं कि गोल्ड का प्राइस कम रखते हैं और मेकिंग चार्ज बढ़ा देते हैं, और जिनका मेकिंग चार्ज ज्यादा रहता है वो जो है कम गोल्ड प्राइस में भी गोल्ड बेच सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस हमारे इंडियन मार्केट में है, लेकिन उम्मीद करते हैं आगे चल के ये जो है सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोल्ड ट्रेड सेंटर गुजरात में एक बनने वाला है जहाँ पे गोल्ड की ट्रेडिंग होगी। और एक ये भी उम्मीद हम लोग करके चलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में गोल्ड के जो है रेट एक ही होंगे, ऐसा गवर्नमेंट कुछ करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है जिनसे उनकी हेल्प हो सकती है। और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।